So hello everyone, today we will study about the dienes. So let's start. Okay, so what are dienes? From the name we can understand, hum log samajh sakte hai ki dienes, die means two and ins represent double bonds. So die means two and in represent double bonds. So dienes means jisme, jis compound mein दो डबल बॉन्ड होगा. सो एक सिंपल कार्बन चेन में, ओपन चेन में अगर दो डबल बॉन्ड होगा, दिस विल बी नोन एज डाइन. ओके, सो डाइन का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है? एल्काडाइन. फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन 1.3 ब्यूटाडाइन. सो ब्यूट, हम लोग को पता है ब्यूट मतलब फोर कार्बन है. सो ब्यूटाडाइन मीन्स चार कार्बन का एक चेन है, उसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं. सो दैट इज योर ब्यूटाडाइन. ओके, सो नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स हम लोग इन द कार्बन चेन, हम लोग डाइन्स को थ्री पार्ट्स में और थ्री क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज कंजुगेटेड डाइन्स. सो कंजुगेटेड डाइन्स क्या होता है? दो डबल बॉन्ड्स होंगे और वो दोनों सेपरेट होंगे एक सिंगल बॉन्ड से. सो दैट इज नोन एज कंजुगेटेड डाइन. यहाँ पर डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड. नेक्स्ट इज नॉन कंजुगेटेड और आइसोलेटेड डाइन. जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड्स होंगे, वो मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे. एंड नेक्स्ट इज कम्युलेटेड डाइन्स और एलिन्स. सो कम्युलेटेड डाइन्स और एलिन्स क्या है कि एक ही कार्बन एटम में दो डबल बॉन्ड्स अटैच होंगे. ओके, मतलब एक दो सिंगल बॉन्ड होंगे और दोनों एक के बाद एक होंगे. सो यू जस्ट सी द एग्जांपल. यहाँ पर सी कंजुगेटेड डाइन्स, दो डबल बॉन्ड्स है एक कार्बन चेन में, सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है. ये आइसोलेटेड और नॉन कंजुगेटेड, दो डबल बॉन्ड्स है एंड मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है. एंड नेक्स्ट ईयर क्यूम्युलेटेड डाइन, यहाँ पर क्या हुआ है, जो एक कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड शेयर किया हुआ है. सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ डाइन्स. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाइन. सो स्टेबिलिटी क्या होता है यहाँ पर, कैसे एक कंजुगेटेड डाइन स्टेबल होता है. ओके, सो कंजुगेटेड डाइन्स is most always more stable than the other isolated or cumulated dienes due to the fact of delocalization of charge through resonance and hybridization energy. So yahan par kya hota hai, conjugated dienes. So what is conjugation? Hum logo ko pata hai conjugation matlab do double bond honge and ek do double bond ke beech ek single bond hoga. For example in case of बेंजीन, हम लोगों को पता है कि वहाँ पर कंजुगेशन होता है एंड वो कंजुगेशन की वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी हम लोग का बेंजीन स्टेबल होता है. तो सेम यहाँ पर भी होता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो एक कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, क्यों होता है, यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, चेन में. ओके, सो ये क्या होता है, एक जो मिडिल का सिंगल बॉन्ड को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये शिफ्टिंग होता है. ओके, एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस, दिस इज नथिंग बट द रेजोनेंस इफेक्ट. ओके, सो ये रेजोनेंस की वजह से हम लोग का कंजुगेटेड डाइन स्टेबल होता है. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कंजुगेटेड डाइन का क्या होता है, मोर एस कैरेक्टर होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कंजुगेटेड डाइन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो sp2 होता है. ओके, सो वहाँ पर एस कैरेक्टर मोर होता है देन योर अदर नॉन कंजुगेटेड डाइन. सो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होता है बीच में वो स्ट्रोंगर होता है और शॉर्टर होता है. ओके, सो नेक्स्ट, और एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे इन स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाइन्स, जो है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. सो हाइड्रोजनेशन मीन्स वी आर एडिंग हाइड्रोजन टू द डाइन्स. ओके, टू द डबल बॉन्ड्स ऑफ द डाइन्स. सो यहाँ पर देखा गया है कि कंजुगेटेड डाइन्स सबसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है देन द
isolated dienes, then cumulated dienes. So heat of hydrogenation जितना कम होगा, stability उतना ज़्यादा होगा. So यहाँ पर क्या होता है, due to this one, conjugated diene is more stable than the other two isolated and cumulated diene. So next हम लोग देखेंगे addition reaction of conjugated diene. So addition reaction में क्या होता है, जब भी हम लोग hydrogen halide को add करते हैं, for example यहाँ पर HBr हम लोग ने add किया, वहाँ पर दो contributor structure होता है of resonance. Okay, so यहाँ पर एक major contributor है, जो क्या है, यहाँ पर जो major contributor है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये carbocation generate होगा intermediate. So ये carbocation is more substituted, मतलब इस carbocation के साथ directly यहाँ पर एक carbon attach है, यहाँ पर एक carbon attach है, so it is disubstituted and therefore it is more stable carbocation. लेकिन यहाँ पर जो carbocation generate हुआ है, इसके साथ directly एक ही carbon attach हुआ है, so this is monosubstituted and it is less stable carbocation. So overall charge distribution in terms of resonance hybrids, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक positive charge होगा and this Br negative can attack both this 2 and 4 position, that is 2 possible addition, maybe possible 1 2 and 1 4 addition. So next हम लोग देखेंगे जो addition reaction में temperature effect होता है. So यहाँ पर हम लोग का अगर low temperature होगा तो हम लोग देखेंगे कि 1 2 addition product ज़्यादा होगा. 1 2 addition means ये 1 2 3 4, so H and Br will be added in 1 and 2 carbon. So अगर temperature low होगा, this will be the product. अगर temperature high होगा, so 1 4 addition product will be in higher portion. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे stability of alkene increases as the number of attached carbon increases. So यहाँ पर जो product आएगा overall, हम लोग का addition reaction में 1 2 product आएगा and 1 4 product आएगा. इन दोनों में से 1 4 product is always more stable. क्यों, ये क्यों होता है, क्योंकि जो alkene form होगा वो highly substituted होगा. For example यहाँ पर जो alkene form हुआ है, इसमें ये एक carbon है जो double bonded के साथ attach है, ये एक carbon है. Okay, so इसके साथ directly एक carbon attach है, यहाँ पर इसके साथ directly एक carbon attach है, that is it is disubstituted. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो 1-2 product आया, इसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो double bonded carbon atom है, that is ये carbon और ये carbon, इसके साथ कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, दैट इज इट इज मोनोसब्स्टिट्यूटेड. सो ऑलवेज आवर डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर इन एडिशन ऑफ एल एचबीआर और हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन. ओके, सो नेक्स्ट विल सी द डायल्स-एल्डर रिएक्शन. सो डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज वेरी इजी रिएक्शन. इसमें क्या होता है, it is a reaction between a diene and a dienophile. So diene kya hai, that is our butadiene 1,3 butadiene, and dienophile will be 1 double bond containing compound. So diene and dienophile, that is one diene will be there and dienophile, jo ek diene ko pasand karta hai, dienophile. So yahan par kya hota hai, yahan par 3 पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है. यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 ब्रेक होकर क्या क्या फॉर्म होता है, 2 न्यू सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोडक्ट एंड साइक्लो एडिशन. दिस डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज ए 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. सो इसको 4+2 साइक्लो एडिशन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ओके, एंड इट दिस रिएक्शन इज कॉन्सर्टेड रिएक्शन. तो कॉन्सर्टेड रिएक्शन मतलब क्या है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एक साथ होता है. ओके, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड
ब्रेकिंग टेक्स पार्ट टुगेदर. सो यहाँ पर जो जो बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्मेशन होता है दोनों एक साथ होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंसर्टेड रिएक्शन. सो नेक्स्ट वी विल सी द मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म इज़ वेरी इजी. ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि कंसर्टेड है, मतलब जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है दोनों एक साथ होता है. तो ये जो मैकेनिज्म है टू वे हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, एंड दिस बॉन्ड विल गो हेयर, शिफ्ट हेयर. सो दिस इज क्लॉकवाइज. दिस मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन क्लॉकवाइज. सो दिस विल अल्टीमेटली गिव दिस प्रोडक्ट. मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आके एक बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो दिस विल बी द 4 and 5, इन बिटवीन द कार्बन 4 and 5 जो बॉन्ड हुआ है अभी, एंड दिस विल गो हेयर. सो इट विल फॉर्म दिस बॉन्ड. सेम यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. ओके, प्रोडक्ट विल बी द सेम, आइदर क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द प्रोडक्ट विल बी सेम. ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला यहाँ पर आएगा जो ये बॉन्ड फॉर्म किया, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर. सो दिस विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ आवर डायल्स-एल्डर रिएक्शन. सो थैंक यू सर.